ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। अशोक विहार की आदर्श रामलीला कमेटी रामलीला मंचन के साथ साथ वर्ष भर ऐसे आयोजन भी करती है जो समाज के लिए उपयोगी और उत्साह बढ़ाने वाले भी होते हैं। अशोक विहार के आदर्श सदन में चल रहा ये समारोह भी एक ऐसा ही समारोह है। इस आयोजन के दौरान चुने गए निगम पार्षदों और क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। हमारे क्षेत्र की लोकप्रिय निगम पार्षद। इस मौके पर क्षेत्र की RWA के अलावा अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि ही मौजूद नहीं थे, बल्कि स्थानीय जन प्रतिनिधि भी बड़ी संख्या में इन बच्चों को बधाई और शुभकामनाएं देने आए थे। आदर्श रामलीला कमेटी के संरक्षक और BJP के वरिष्ठ नेता मांगेराम गर्ग ने इन बच्चों के साथ साथ आदर्श रामलीला कमेटी को भी इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। उनके माँ बाप निश्चित रूप से महसूस करते हैं कि समाज इस बात की चिंता करता है, संस्थाएं इस बात की चिंता करती है कि बच्चा अगर प्रतिभाशाली होगा तो समाज का विकास होगा। केवल परिवार के विकास तक सीमित नहीं है, समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। आज जो बच्चे 90% से ऊपर नंबर ला रहे हैं वो कितनी देर पढ़ते होंगे इसका हिसाब लगाना बड़ा कठिन है। ऐसे सम्मान समारोह से जहां ऐसे प्रतिभावान बच्चों का उत्साह बढ़ता है, वहीं दूसरे बच्चों को भी मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है, यही आयोजन का मकसद भी है। आदर्श रामलीला कमेटी ने इस अवसर पर वजीरपुर विधानसभा के नए चुने गए निगम पार्षदों का भी अभिनंदन किया। इसमें सावन पार्क की निगम पार्षद मंजू खंडेलवाल का जन्मदिन भी सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पर नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की मेयर प्रीति अग्रवाल भी मौजूद थी। प्रीति अग्रवाल ने भी अपने अंदाज में इन बच्चों को बधाई दी। भारत माता की। आदर्श रामलीला कमेटी में, आदर्श धर्मशाला में और एक आदर्श कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। और आप सबके लिए भी एक मैसेज है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमां सारा बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमां सारा बाकी है। तो बच्चों अभी ये एक जीत है, बहुत बड़ी आपने मैसेज दिया है, अपने परिवार के लिए भी बहुत एक फख्र है, हमें सबको आपके ऊपर बहुत फख्र है। कहने को बेशक ये सम्मान समारोह मेधावी छात्रों और नए निगम पार्षदों का रहा है, लेकिन इस मंच से अशोक विहार के उस शख्स का भी सम्मान हो रहा था जिन्हें इलाके में उनके सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। समारोह का संचालन कर रहे रामलीला कमेटी के प्रधान अशोक गर्ग और महामंत्री अनिल यादव ऐसे तमाम लोगों को मंच पर आमंत्रित कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट जिला के DCP रहे IPS अधिकारी विजय सिंह आज भी लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं। इस आयोजन में उनकी उपस्थिति पूरे मन से रही। आदर्श रामलीला कमेटी अपने अनुशासन और ऐसे ही अनुकरणीय उदाहरणों के चलते अशोक विहार में आदरणीय और आदर्श बनी हुई है। दिल्ली दर्पण TV के लिए योगेश कुमार की रिपोर्ट। ये है
दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल।